फ्रेंड्स वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हम आगे जाके पाइथन प्रोग्रामिंग स्टडी करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं और पाइथन के प्रोग्राम्स हमें रन करने के लिए हमें पहले तो पाइथन का सेटअप बेस्ट फाइल इंस्टॉल करना होगा। मतलब हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि क्या कोड है, उस कोड को कौन इंटरप्रेटर का, मतलब कैसे है ना वैलिडेट करेंगे, क्या आउटपुट होगा, किस तरह से दिखाएंगे, तो वो सारी चीजें मतलब परफॉर्म करने के लिए हमें पाइथन पे इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है। और पाइथन इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा मतलब इतना हेक्टिक तो है नहीं प्रोसेस, तो आपको सिर्फ पाइथन डाउनलोड करके सर्च करना है। जैसे आप पाइथन डाउनलोड सर्च करोगे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा डाउनलोड पाइथन वाला, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो बटन आपको दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.10.0 इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका डाउनलोडेड फाइल मतलब इस तरह से आपका सिस्टम में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा पाइथन 3.10.4 MD64। इसको आप डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ करेंगे तो आपको ये सारे मतलब इंक्लूड आईडी एली पी पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर भी हमारा यहाँ पे मतलब पाइथन का सपोर्टिंग पैकेज है जिसके मदद से हम पाइथन के अदर पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये इंस्टॉल नाउ करने के पहले आपको यहाँ पे एड पाइथन 3.10.2 path ये आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका पाइथन का जो पाथ होगा जहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है वो पाथ सिस्टम को डिफाइन किया जाएगा। और मतलब जब भी हम पाइथन की फाइल कोई भी फोल्डर में से रन करेंगे तो हमें समझ मतलब सिस्टम को समझ में आएगा कि ये पाइथन की फाइल है और ये हमारा यहाँ पे सेव किया हुआ इसका इंटरप्रेटर है जिसकी मदद से ये फाइल मुझे रन करनी है। तो इसके लिए मुझे बस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है अभी और एक मिनट के अंदर आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आप पाइथन कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाता है आपके सिस्टम पे पाइथन कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन कोड लिखने के लिए हमारे पास मतलब कुछ आईडीज आती हैं, हम उसको आईडी फॉर आप सर्च कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग को। आपको यहाँ पे देखो आईडी ली करके पाइथन का इनबिल्ट आता है, जो तो जो हमने पाइथन का अभी सेटअप इंस्टॉल किया ना इसी के साथ वो आईडी ली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, पाइचाम यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट या सबलाइम टेक्स्ट है ना ये भी यूज कर सकते हैं। देन बहुत सारे मतलब एटम्स है, हंड्रेड्स ऑफ आईडीज है जिसको यूज करके हम पाइथन के प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो जैसे मेरा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है मुझे इसको क्लोज करना है और इमिडिएटली हम पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस वेट करना है ये जब तक प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये तो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि कितना फास्ट ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और एक पाइथन के पैकेजेस के लिए पाई करके पैकेज इंस्टॉलेशन करने के लिए ये साइट है, इसके ऊपर आप खुद के भी पैकेजेस बना के मतलब डाल सकते हो तो लोग उसको यूज करेंगे। कोई भी आप खुद की भी लाइब्रेरीज आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। और यहाँ से हमें जो चाहिए पाइथन के सारे पैकेजेस मिलेंगे, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये पाइथन के एक साइड पे आप ऑल इन वन यहाँ पे पाइथन के डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप मतलब है ना पाइथन सेटअप एंड यूसेज जो भी आपको पाइथन के रिलेटेड आपको स्टडी करना है तो इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल्स को कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे दिया, मतलब हर एक चीज के लिए पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है। और हमारा इंस्टॉलेशन स्टिल इज गोइंग ऑन। फिर पाइथन के साइड पे हमें पाइथन के जॉब भी मिल रहे हैं, मतलब है ना यहाँ पे हमें जॉब की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छा है। पाइथन के ओपनिंग कहाँ कहाँ पे है ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है और आप देख सकते हो आपके कंट्री के हिसाब से ये रहेगा। यहाँ पे देखो इंडिया का रहेगा तो बेंगलोर कनाडा का, इंडिया में सीनियर और इंटरमीडिएट पाइथन इंजीनियर का fulfill.io की शायद कंपनी है। यहाँ पे आपको बैकएंड पाइथन डी जंगो फ्लास्क पोस्टग्रेस SQL, ये पोस्टग्रेस SQL हमारा ये डेटाबेस है, डी जंगो
एंड फ्लास्क, ये वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क थे पाइथन के। तो इस तरह से आपको पाइथन के साथ बहुत सारी चीजें एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही जगह पे मिलती है। और ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमें इसको बस क्लोज करना है। और आपको अगर पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट करना है तो आपको बस पाइथन सर्च करना है और एंटर दबाना है। तो ये आइडियली है पाइथन का, और इसके साथ आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज का मतलब पाइथन में प्रिंट करनी है, एज आउटपुट देखना है, तो आपको आउटपुट देखने के लिए प्रिंट कीवर्ड यूज करना होता है और एंटर दबाना है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से पाइथन का इंस्टॉलेशन होता है। तो अगर ये आपको आइडियली यूज नहीं करना है तो आप अदर टेक्स्ट एडिटर भी, जैसे कि मैंने दिखाया पहले, वो वाले यूज करके आप कोड लिख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से, या फिर है ना उस आइडियली में अगर कॉन्फिगर किया है उनको खुद का कंपाइलर या इंटरप्रेटर पाइथन के कोड रन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम टर्मिनल यूज करके कोर्स को रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसमें हम देखेंगे पाइथन मतलब किस तरह से हमें पाइथन का फाइल सेव करना है, किस तरह से हमें कोड रन करना है, या फिर क्या क्या सिलेबस होगा हमारे इंटायर ड्यूरिंग कोर्स के लिए। तो ये सारी चीजें आप नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको वेबचम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पाइथन।